दर्शन विक्रम, मेरा सवाल। एक समय कोई महान गुरुजी रहा करते थे। वे अपने सभी शिष्यों को धनुर्विद्या, भाला फेंक, तलवारबाजी जैसे कई हथियारों को चलाने के लिए निपुण करते और कई ज्ञान की बातें भी सिखाते। एक दिन जब कुछ शिष्यों की शिक्षा पूरी हो गई, तब एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपकी गुरु दक्षिणा क्या है? मेरी गुरु दक्षिणा तुम सभी एक वर्ष बाद देना। अभी तुम सभी अपने अपने नगर जाओ। एक वर्ष बाद सभी शिष्य लौटकर अपने गुरुजी के पास आते हैं। गुरुजी, अब बताइए आपकी क्या गुरु दक्षिणा है? तुम सभी को धनुर्विद्या की प्रतिस्पर्धा में भाग लेना है, जिसमें मैं भी भाग लूंगा। यह सुनकर सभी शिष्य अचंभित रह जाते हैं और कहते हैं, ठीक है गुरुजी। फिर गुरुजी कहते हैं, जो तुम वह सूखा पेड़ देख रहे हो, उसमें कुछ निशान बने हुए हैं, तुम्हें उस लक्ष्य पर निशाना लगाना है। यह कहकर गुरुजी सबसे पहले स्वयं तीर चलाते हैं, जो लक्ष्य के समीप जाकर लगता है। फिर वे शिष्यों को आज्ञा देते हैं। पहला शिष्य तीर चलाता है, उसका तीर पेड़ पर ही नहीं लगता। दूसरे शिष्य का तीर लक्ष्य से दूर जाकर लगता है। तीसरे शिष्य की बारी आती है, फिर वह तीर चलाता है, जिसका तीर एकदम लक्ष्य पर जाकर लगता है और वह प्रतिस्पर्धा में गुरुजी को भी हरा देता है। प्रतिस्पर्धा में हार जाने के बाद गुरुजी कहते हैं, मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल गई। तो बता विक्रम, गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला? वे तो प्रतिस्पर्धा में हार गए थे। तो सुन बेताल, गुरुजी ने गुरु दक्षिणा लेने के लिए सभी शिष्यों को एक वर्ष दिया था, जिसमें कुछ शिष्यों ने अपना समय व्यर्थ किया, लेकिन एक शिष्य ने उस एक वर्ष में भी गुरुजी द्वारा दी गई शिक्षा का निरंतर अभ्यास किया। प्रतिस्पर्धा में किसी के जीतने से सामने वाला हार जाता है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता। इसमें शिष्य के जीतने पर गुरुजी भी जीत गए, क्योंकि गुरुजी की दी गई शिक्षा सफल हो गई, इसलिए गुरुजी को अपनी गुरु दक्षिणा भी मिल गई। सही जवाब विक्रम, लेकिन तू बोला मैं चला।